यीशु के नाम की महिमा हो आप सभी को। जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज ही मिशनरी एंथोनी नॉरिस क्रूस, जन्म 1/2/1795, मृत्यु 20/5/1853, मूल स्थान हैम्पशायर इंग्लैंड, दर्शन इराक भारत। आइए हम ध्यान देते हैं। एंथोनी नॉरिस क्रूस पेशे से दंत चिकित्सक थे और युवावस्था से ही एक उत्साही ईसाई थे। जब वे 21 वर्ष के थे तब उन्होंने प्रभु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और उन्हें नए नियम की गहरी समझ थी। जब वे अभी भी एक दंत चिकित्सक के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने पहाड़ी उपदेश में दिए गए निर्देशों के आधार पर ईसाई भक्ति नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की। उस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने विश्वासियों को प्रोत्साहित किया कि वे खुद को और अपना सब कुछ पूरी दुनिया में सुसमाचार प्रचार के लिए प्रतिबद्ध करें। जॉर्ज मूलर उन कई लोगों में से एक थे जो उस पुस्तक से प्रभावित होकर अपना जीवन पूरी तरह से प्रभु को समर्पित कर दिया। 1829 में ग्रूव्स ने अपनी आकर्षक नौकरी छोड़कर परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार अपने परिवार के साथ इराक के बगदाद चले गए। वहां उन्होंने मुसलमानों के बीच पहला प्रोटेस्ट मिशन स्थापित किया। उन्होंने स्थानीय लड़कों और लड़कियों को शिक्षित करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों की भी स्थापना की। बगदाद पहुंचने के एक साल बाद वहां गृह युद्ध छिड़ गया, जिसके दौरान उन्होंने अपनी पत्नी और नवजात बेटी को खो दिया। गृह युद्ध की तबाही के बावजूद ग्रूव्स ने कुछ अन्य लोगों के साथ इंजीलवादी प्रयासों को जारी किया। बाद में वे 1833 में भारत आ गए। वहां उन्होंने कलकत्ता के कुछ हिस्सों में एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर काम किया। फिर उन्होंने मद्रास में एक मिशनरी टीम शुरू की और तमिलनाडु और गोदावरी डेल्टा के कई हिस्सों में अग्रिम मिशनरी सेविकाएं किया। मिशनरी पहलों पर उनके प्रभाव के कारण क्रूस को विश्वास मिशनों का जनक कहा जाता है। उन्होंने युवा ईसाइयों को पश्चिमी चर्च परंपरा की उपेक्षा करने और केवल मसीह और उनके प्रेरितों की शिक्षा का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने चर्चों में स्थानीय नेतृत्व के विकास की वकालत की और स्थानीय विश्वासियों को एक दूसरे को अपनी आध्यात्मिक क्षमताओं और सेविकाई को विकसित करने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके विचारों ने मिशन की एक नई पीढ़ी को जन को प्रेरित किया जो विश्वास के सिद्धांतों के आधार पर कार्य करती है। मिशनरी विधियों के व्यवहारिक नियमावली के रूप में नए नियम का उपयोग करके उनके विचार ने जॉन क्रिश्चियन अस्लुप, बख्श सिंह और वॉचमैन नी जैसे कई स्थानीय प्रभु के दासों को सेविकाई के लिए प्रभावित किया। प्रिय, क्या आपकी सेविकाई विश्वास के सिद्धांतों पर आधारित है? हे प्रभु, जो कुछ मैं पूरा करूं वह आपके वचन के स्तर के अनुसार हो। आमीन। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।